हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज, रैंडम जेनेटिक ड्रिफ्ट इन अ पॉपुलेशन प्रोबेबली रिजल्ट्स फ्रॉम। यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि रैंडम जेनेटिक ड्रिफ्ट एक पॉपुलेशन में तभी फॉर्म होता है एज अ रिजल्ट ऑफ ऑप्शन ए, हाईली जेनेटिकली वेरिएबल इंडिविजुअल्स, ऑप्शन बी इंटरब्रीडिंग विद इन दिस पॉपुलेशन, ऑप्शन सी कॉन्स्टेंट लो म्यूटेशन रेट एंड ऑप्शन डी लार्ज पॉपुलेशन साइज। सो टू आंसर दिस क्वेश्चन, लेट अस अंडरस्टैंड द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। हियर द की कॉन्सेप्ट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट। सो व्हाट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट? जेनेटिक ड्रिफ्ट ये स्मॉल पॉपुलेशन में ऑकर होता है एंड ये एक बाई चांस इवेंट होता है। इसका मतलब किसी स्मॉल पॉपुलेशन में अगर सडनली कोई कैलेमिटी आ जाए, कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाए या कोई आउटब्रेक ऑफ डिजीज ऐसा आ जाए जिससे कि ह्यूज नंबर में लोग मर रहे हैं, सो इससे क्या होता है, जेनेटिक पूल में हमें ड्रिफ्ट देखने को मिलता है, शिफ्ट देखने को मिलता है। यहाँ पे यूजुअली लॉस ऑफ एलील होता है। एलील क्या है? ये एक पेयरिंग होते हैं हमारे जीन्स के अंदर। किसी भी कैरेक्टर्स का दो पेयर्स हमेशा साथ में प्रेजेंट होता है, जो एक मदर से आता है और एक फादर से आता है। सो उन पेयर में से एक जीन को एलील कहा जाता है। एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट का वन ऑफ बिगेस्ट कॉज होता है इंटरब्रीडिंग। इंटरब्रीडिंग क्या होता है? ये दो डिफरेंट स्पीसीज या पॉपुलेशन के बीच अगर मेटिंग हो तो इसे इंटरब्रीडिंग कहा जाता है। इससे क्या होगा, जेनेटिक वेरिएशन देखने को मिलेंगे। सो एक स्मॉल पॉपुलेशन, पहली बात वो पॉपुलेशन ही स्मॉल है एंड उसमें भी अगर आप इंटरब्रीडिंग कर रहे हैं तो जीन लेवल में और भी वेरिएशंस देखने को मिलेंगे जिससे कि जो प्रीवियस जीन पूल था वो लॉस हो जाएगा। सो लॉस ऑफ एलील यहाँ पे भी हमें देखने को मिलेंगे। सो नाउ लेट्स चेक आवर ऑप्शंस अगेन। ऑप्शन ए, हाईली जेनेटिकली वेरिएबल इंडिविजुअल्स। सो हाईली जेनेटिकली वेरिएबल इंडिविजुअल्स अनटिल एंड अनलेस वो दूसरे पॉपुलेशन या दूसरे स्पेसिस के साथ मीटिंग नहीं कर रहे, ये एक जो प्रीवियस पॉपुलेशन में ये रहते हैं वहाँ का जीन पूल ये कंट्रीब्यूट कर रहा है, इससे जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं होता है। जेनेटिक ड्रिफ्ट तभी होगा जब आप जीन लेवल को चेंजेस कर रहे हैं बाई डूइंग माइग्रेशन या जीन फ्लो और जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो इंडिविजुअली अगर आपके अंदर हाईली जेनेटिकली वेरिएबल जीन भी प्रेजेंट है, स्टिल आप उस पॉपुलेशन को इक्विलिब्रियम में रख सकते हैं अनटिल अनलेस आप चेंजेस नहीं ला रहे, आप माइग्रेट नहीं हो रहे। सो ये रिजल्ट नहीं है फॉर जेनेटिक ड्रिफ्ट। ऑप्शन बी, इंटरब्रीडिंग विद इन दिस पॉपुलेशन, इंटरब्रीडिंग से जेनेटिक वेरिएशन आ सकते हैं जो कि हेल्प कर सकते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट के लिए, या रिजल्ट होता है जेनेटिक ड्रिफ्ट का। सो ये एक सही ऑप्शन है। कॉन्स्टेंट लो म्यूटेशन रेट, लो म्यूटेशन रेट होगा तो पॉपुलेशन स्टेबल रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेंगे, जेनेटिक ड्रिफ्ट इसमें नहीं देखने को मिलेगा। एंड लार्ज पॉपुलेशन साइज, लार्ज पॉपुलेशन साइज इक्विलिब्रियम को मेंटेन रखते हैं, लेकिन स्मॉल पॉपुलेशन साइज में हमें जल्दी से जेनेटिक म्यूटेशन देखने को मिल सकता है या उसका स्प्रेडिंग देखने को मिल सकता है, वेरिएशन देखने को मिल सकता है। सो ये स्टेटमेंट भी हेल्प नहीं करेगा और नॉट इट इज नॉट ए रिजल्ट फॉर जेनेटिक ड्रिफ्ट। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, इंटरब्रीडिंग विद इन दिस पॉपुलेशन। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।